हमारे जो बड़े थे उनको मौका नहीं मिला, आज हम इतने खुश हैं कि उनकी मौजूदगी में इस शिवालय पे हम बैठे हैं। हम अपनी फीलिंग बयान नहीं कर सकते। जो पहले वक्त था आज वक्त बदल चुका है। शिवाला तेजा सिंह मंदिर आबाद होने तो पहले असी अपने घर मंदिर छोटा सा बनाया, असी इतने पूजा करने हमेशा, तो मतलब कि हूँ आबाद हो गया वे, हूँ असी उत्थे जाकर पूजा। ये मंदिर शिवाला तेजा सिंह ये 1000 साल पुराना मंदिर है। पाकिस्तान बनने के बाद ये मंदिर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। तकरीबन 70-72 साल के बाद साड़ी सुनी गई है। इसी जो हिंदुस्तान लोग चले गए ना, फिर उसकी आबाद आबादत की घट गई है, फिर आबादत नहीं हुई। तो बाद कुछ टुट भज भी गया सी, कोई हालत खलसा ज़्यादा खराब भी हो गई है। फिर जो हूँ आके जी वैल्यू बनी बहुत प्यारी लगी सू। हम यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। इस धरती में हम पैदा हुए और हमारा जीना मरना इसी धरती के साथ जुड़ा हुआ है। जब जहाँ पे अज़ान होती है ना, तो उस वक़्त यहाँ पे पूजा पाठ बंद कर दी जाती है। एहतराम के तौर पे हम एक साथ चलते हैं। वो साढ़े इस मजहबी काम के साढ़े दखलअंदाजी नहीं लेंदे भी। वो कहते उन्होंने अपना काम है, साढ़ा अपना काम है। इस गल के कोई सूँ पर जगराता भी करने ना तो सानू नहीं मना कोई नहीं करता भी, जिस टाइम तुम करो करो। कई दफे खिदमत भी करते हैं, साढ़े नाल काम भी करना पैंदे ने, बच्चे ने लोग साढ़े यार दोस्त जड़े ने। कोई गल नहीं, तराज नहीं, कोई करते, कोई नाराज नहीं, गल होंगे खुश होंगे सारे दिल खोल के। पूजा उत्तर की खुशी मनाई है, बच्चियां ने भी असी भी शिवरात्रि पहली दफा अस मनाई है। 72 साल बाद फिर शिवरात्रि मनाई गई। दादा, बेटा और पोता एक जगह बैठ के हम पूजा कर रहे हैं। दादा ने यह वो माहौल नहीं देखा था जो अब देख रहे हैं। अब पोते तक ये नस्ल चल रही है। हम बहुत ही खुश हैं कि हमारी ये 3 नस्लें जो है ना एक साथ बैठ के यहाँ पे शिवालय में पूजा करेंगी। अपने धर्म का अपने मजहब का पता चल गया कि साडा मजहब है। इस तो पहले पता नहीं सी चलता इन्हों कि असी की असी कोई दूजे की गल सुनते तो हल हो जाती, इधर की गल सुनते तो हल हो जाती। उन्हें खास पता लग गया कि असी हिंदू हाँ और हिंदू बन के ही रहना है।